Hey everyone, we all know that UPSC never ceases to surprise us. This year's civil services prelim exam has been the talk of the town in the sense that it deviated from its usual patterns and trends. But how divergent was the prelims paper this year? A range of analyses are circulating on the internet right now. Today, I'll delve into the CSC prelims general studies 2023 paper in detail using concrete data and facts. The notable feature of prelims 2023 is that about 46 questions have a unique option pattern. इसका क्या मतलब हुआ? यूनिक ऑप्शन पैटर्न में आपको जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो होते हैं ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नल। इसी की वजह से जो एलिमिनेशन टेक्निक्स अक्सर हमें सिखाई जाती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो यहाँ पे नहीं वर्क करती। बिकॉज आपको अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसमें एलिमिनेशन का यहाँ पे कोई चांस नहीं है। तो इस पेपर के बाद से ये तो समझ आ गया है कि यूपीएससी ने जो पेपर अब पैटर्न बनाया है उसमें एलिमिनेशन टेक्निक्स वर्क नहीं करेंगी, ना ही गेस वर्क चल पाएगा। अनदर सिग्निफिकेंट चेंज इन क्वेश्चन पैटर्न इज दैट अबाउट 18 क्वेश्चंस आर असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन स्टेटमेंट्स वन एंड स्टेटमेंट्स टू पैटर्न। पिछली बार 0 क्वेश्चंस आए थे इस टाइप के और इस बार पूरे 18 क्वेश्चंस असर्शन रीजन टाइप हैं। It implies that there is a need to understand the subjective interpretation of topics. Now pay attention to these charts that represent the weightage of various sections in the prelim paper 2. If you make a comparison between 2022 and 23, you will see that the importance of sections in polity as well as geography and maps has grown with the total number of questions increasing this year. Similarly, questions on schemes and policies increased from just 1 in 2022 to 5 in 2023. On the other hand, questions on science and tech have reduced by 3%. In this bar graph, you can see that the greatest number of questions, that is 19 questions, were asked on geography and maps, followed by polity. Questions from history were lesser than polity. So friends, let's take a closer look at this bar graph. अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, तो ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जिनमें पहले क्वेश्चन ज़्यादा आए थे और इस बार थोड़े कम हो गए हैं? तो सबसे पहले तो हमें जो सेक्शन दिख रहा है वो है एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड मेडिवल हिस्ट्री। इन तीनों के कंबाइंड क्वेश्चंस पिछली बार 13 आए थे, इस बार 10 आए हैं। इसके अलावा इकोनॉमी, एक्ट्स एंड पॉलिसीज में भी क्वेश्चन घट गए हैं। पिछली बार इसमें 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे और इस बार 10 पूछे गए हैं। फिर एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर एंड बायोडायवर्सिटी में भी पहले 14 क्वेश्चंस आए थे, इस बार 12 आए हैं। साइंस एंड टेक में भी 2022 में 16 क्वेश्चंस थे और इस बार 13 हैं। पर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस तरीके के वेरिएशंस यूपीएससी करता रहता है। कभी किसी सेक्शन में से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, किसी में कम हो जाते हैं, तो 2-3-4 क्वेश्चंस का वेरिएशन इस तरह चलता रहता है। अगर इंक्रीज़ की बात करें, जिन सेक्शंस की इंपॉर्टेंस 2023 पेपर में बढ़ गई, ज्योग्राफी एंड मैपिंग में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आया है। पहले 15 थे और इस बार 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सेक्शन में से, सो इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। उसी तरह पॉलिटी में पहले 11 थे, इस बार 14 है। स्कीम्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है सेक्शन की। पहले सिर्फ इसमें 1 क्वेश्चन आया था 2022 में और इस बार 5 क्वेश्चन आए हैं। तो ये भी एक ऐसा सेक्शन है जो आपको और अच्छे से इस बार प्रिपेयर करना चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ का। इंटरनेशनल रिलेशंस रिपोर्ट एंड मिसलेनियस पे भी थोड़ा सा वेरिएशन है। पिछली बार 10 क्वेश्चंस थे इसमें से और इस बार 13 हैं। तो इनमें से ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जिनमें काफ़ी आपको ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है? आई थिंक सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मुझे लग रहा है चेंज है इकोनॉमी, एक्ट्स एंड पॉलिसी वाले सेक्शन में। इसमें काफ़ी ड्रास्टिक चेंज है कि इसमें पहले 17 क्वेश्चंस आए थे इसमें से और इस बार पूरे 7 क्वेश्चन घटा के 10 क्वेश्चन पूछे गए। और स्कीम्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ में भी पहले सिर्फ 1 था, इस बार 5 है जैसे कि मैंने कहा। और ज्योग्राफी वाले सेक्शंस में भी काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हमें दिखा। सो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यूपीएससी वेरिएशंस लेके आता है। पर जहाँ तक सबको लग रहा है, आई थिंक अब मैप्स की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है ज्योग्राफी एंड मैपिंग में से, क्वेश्चंस लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी इसमें से काफ़ी आ सकता है। चेक आउट दिस टेबल दैट टेल्स यू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन टाइप्स फ्रॉम ईच सेक्शन। It can be observed that there is a shift from direct questions towards conceptual questions. There is an increase in current affairs as well as applied based questions as compared to prelims 2022. Also, it goes without saying that maps are highly important now. Your grasp on geography and maps will substantially impact your overall score. The difficulty level has been increasing each year, and undoubtedly this year's paper was also tough. As I also said earlier, elimination techniques won't help you qualify prelims anymore. The guesswork is gone. Core subject knowledge is vital and cannot be ignored.
सुपरफिशियल करंट अफेयर्स और मैगजीन्स वोंट हेल्प यू स्कोर मार्क्स. जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा कि करंट अफेयर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जहाँ से भी करंट अफेयर्स पढ़ें आपको पता होना चाहिए कि वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी सोर्स है. वहाँ पे आपको बहुत ही एग्जैक्ट प्रिसाइज फैक्ट्स मिलने चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि सभी एस्पेक्ट्स को कवर करे, अपडेटेड हो. तो इस सेक्शन को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दी गई है इस पेपर में और आई थिंक आगे भी दी जाएगी. एनवायरमेंट एंड साइंस कैन बी अ गेम चेंजर एंड कैन श्योरली हेल्प स्टूडेंट्स विद साइंस बैकग्राउंड. Know that you need to score 50% only and don't panic in case you see an out-of-the-box question. Students, UPSC is and has always been unpredictable, but your hard work and determination will definitely beat the unpredictability. Keep up your efforts, devise your own preparation strategy, keeping in mind the latest trends and patterns of the paper, and prepare with your full potential. All the best.